मम्मा मम्मा आज शिबा स्टॉक करना था। हाँ यार आज तो शिबा स्टॉक करना था। चलो करते फिर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिबाज लाइफ। तो मैं आपको जो बोली थी, आज हम लोग कुछ कॉमेडी शेयर करने वाले हैं जो हम लोग बचपन में करे थे कॉमेडी। क्या हुआ था, एक बार हम लोग ट्यूशन में जा रहे थे, तो ट्यूशन में सर के पास हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे। तो सर था स्कूल का भी टीचर, कोई स्कूल का गांव में पढ़ाने जाते थे। तो सर रोज़ रात को 4 बजे उठते थे, अपना खाना वाना बनाते थे, नहाते थे। तो उस दिन भी उठने वाले थे, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, रात को 1:30 बजे का घड़ी में अलार्म डाल के आ गए थे। तो सर रात को अलार्म बजा 1:30 बजे, सर उठे, खाना वाना बनाए, नहाए, फिर देखे कि रात के 2:30 बज रहे। फिर सर तो इतना गुस्सा हो गए, हम लोग ऊपर पता चल गया कि इन लोगों का ये बदमाशी होगी। तो फिर दूसरे दिन हम लोग गए थे डंडे लेके, इतना हम लोग पीछे भागे सर तो मारने के लिए। ये कॉमेडी है। और एक सीन है, हम लोग सर के पास ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो सर कुछ लिख रहा था, करेक्ट कर रहा था। तो फिर बंदर, सर के घर के बाहर एक अमरूद का पेड़ था, उसमें बहुत सारे बंदर आए थे। तो बंदर को ना मेरे भाई ने क्या करा, ऐसे ऐसे हाथ दिखाया, बंदर ने सोचा कुछ आलू वालू दिखा रहा है खाने के लिए। तो बंदर जंप मार के हम लोग के घर के रूम के अंदर घुस गया और हम लोग सब बाहर निकल गए, और सर और बंदर अकेले बंद, हम लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से बाहर से, और सर और बंदर अंदर ही रह गए। तो फिर सर इतना चिल्ला रहे थे कि दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, और हम लोग भाग गए दरवाज़ा बंद करके, और सर इतना गुस्सा हो गया, बाथरूम आंटी आके दरवाज़ा खोली और डंडा लेकर हम लोग के पीछे इतने भागे सर मारने के लिए। तूने कभी ऐसा इंसिडेंट करा है? ये बहुत शरीर बच्चा है, हम लोग थोड़े बिगड़े थे। फिर क्या हुआ, और एक बार क्या हुआ था, हम लोग साइंस सिटी गए थे। तो साइंस सिटी हम लोग का ट्यूशन के पीछे ही था, तो हम लोग अक्सर जाया करते थे। तो साइंस सिटी में जहाँ पे हम लोग शूज़ उतारते थे, साइंस सिटी में शूज़ उतार के हम लोग को जाना पड़ता था। तो जहाँ पे शूज़ उतारते थे उसके ऊपर में पूरा एक मेन बोर्ड था, वहाँ पर स्विच लगा हुआ होता था। तो मैं शूज़ उतारते उतारते सोची कि ये किस लिए लगा हुआ है। तो मैं 4-5 दिन देखी उसको, फिर 6th दिन जाके मैंने वो मेन को टैंग करके बंद कर दिया, और पूरा साइंस सिटी का जितना काम चल रहा था सब इधर उधर सब बंद पड़ गया। और मैं डर से उधर से भागी, जो दूसरे बार से ऑन हुआ साइंस सिटी में है। फिर उन लोग आके स्विच सब ऑन करके सब उन लोग का जो जो चालू होता है वो सब चालू हो गया। वो भी एक हुआ था, बहुत भयानक हुआ था, अगर पकड़े जाते तो हम लोग को पुलिस में डाल देता जी। और फिर और एक बार हुआ था, हम लोगों का टॉयलेट ये थोड़ा सा टिकी सा है, थोड़ा ऊपर उठा। तो हम लोगों का टॉयलेट था, टॉयलेट का जो हम लोग का जो चैम्बर था वो पीछे था, तो बाजू वाले घर से उसका पाइपलाइन गया था। तो बाजू वाले घर का टॉयलेट नहीं था, उन लोगों का टॉयलेट करने वो लोग कहीं और जाते थे। तो हम लोग का वो पाइपलाइन में वो लोग मीटर खोल के उसमें टॉयलेट करते थे। तो हम लोग को मुझको और मेरे भाई को बहुत गुस्सा आता था कि रोज़ाना वो हम लोग के टॉयलेट में टॉयलेट क्यों करते हैं, मीन्स वो पाइपलाइन में। तो हम लोगों ने क्या करा, एक अगरबत्ती लिया, वो अगरबत्ती के नीचे वो चॉकलेट बॉम आता है, जो क्रैकर्स होते हैं वो 2-4 बड़े बड़े क्रैकर्स फिट करें, फिर उसको अगरबत्ती को आग लगाया, फिर टाइम बॉम बना के धागे से उसको हम लोग उस टॉयलेट के अंदर ले जाके खुद से पुश कर दिया। फिर वो हम लोग उधर से भाग गए। फिर
हम लोग जाके टीवी देखने लगे, तो तब शक्तिमान आता था, शक्तिमान देखने लगे, और वो अगरबत्ती जलते 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 नीचे गया और वो चॉकलेट बम ब्लास्ट करा, वो जो टॉयलेट था वो चारों और उनके घर पे उनके कपड़े में सब लग गया, तो उन लोगों को तो पता नहीं चला कैसे क्या हुआ। फिर उन लोगों ने देखा कि धागा हम लोग के छत पर उतरा था, तो मेरी मम्मी थी नहीं घर पर, ऑफिस गई थी, मम्मी ऑफिस से आई, उन लोग शिकायत करना है हम लोगों का, तो बहुत डांट पड़ी, मैं और भाई भागते रहे, तो ऐसे ऐसे हम लोग बदमाशी करते थे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोगों का जो था हम लोगों का स्टोरी, कुछ कॉमेडी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ आप लोगों को कॉमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों का स्टोरी। और आज मैं ये स्टोरी नहीं डालने वाली थी, मुझे जैन ने जोर करके डलवाया, बोला कि नहीं तुमको रोज़ाना ये ब्लॉग करना चाहिए, तो तुम ऐसे छुट्टी नहीं रख सकते हो, तुम ऐसे क्यों कर ले हो हाँ करके। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, चलिए खुदा हाफिज, बाय। Moreno, penetra.